नमस्ते, मैं मोना आपका मेरा चैनल देसी गर्ल एंड यूरोप में स्वागत करती हूँ। मैं रहती जर्मनी में हूँ और जर्मनी और इंडिया के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अभी मुझे पता है कि थोड़ा लंबा टाइम हो गया है मेरे वीडियोस को, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था कि ठंड बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ठंड कितनी ज़्यादा होती है। और मैं वेट कर रही थी कि शायद कुछ नॉर्मल होगा वेदर तो बाहर जाऊंगी, आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से मैंने नेक्स्ट वीक का वेदर प्रेडिक्शन चेक किया तो उसमें टेम्परेचर इसे ज़्यादा ख़राब दिखा रहा है, ऊपर से स्नो दिखा रहा है। तो मुझे आज थोड़ी सी भी झलक दिखी सनलाइट की तो मैं बाहर निकली हूँ। तो आज मैंने इसी के मतलब ये सिचुएशन के रिलेटेड ही एक टॉपिक लिया है, विंटर डिप्रेशन। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि विंटर डिप्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में मतलब विंटर डिप्रेशन इज फैक्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़, और यहाँ के लोग इससे दूर रहने के लिए क्या करते हैं वो सब बातें करेंगे। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो अभी मैं बात करती हूँ विंटर डिप्रेशन की। विंटर डिप्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली कई लोगों को होता है, और हमारे जैसे जो इंडिया से मूव हुए हैं उन लोगों को भी, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है जो मैं आपको बताती हूँ। कि पहले तो हम लोगों को आदत हो गई होती है कि इंडिया में ठंड कैसी होती है और यहाँ की ठंड, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में हम ठंड को एंजॉय करते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि गुलाबी ठंडी है, बहुत मज़ा आता है, ठंड अच्छी होती है, सनलाइट भी हमें प्रॉपर मिलती है तो हम बाहर जाते हैं, सनलाइट लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं और फ्रेश एयर मिलती है तो हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पहले तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं होता है। मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ, इसलिए मुझे इतना लंबा टाइम लग गया। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा कि दिन का टेम्परेचर तो अभी मैं निकली हूँ तो टेम्परेचर सिर्फ 2-3 डिग्री ही है, और रात को तो माइनस ही होता है। तो ऐसे में किसी को बाहर निकलने का भी मन नहीं होता, घर में ही सब मोस्ट ऑफ पड़े रहते हैं, और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। और एक और डिफरेंस है कि इंडिया में हमको ठंड में बहुत सारी चीज़ें, जैसे खाने पीने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत सारे होते हैं, और ऐसी औषधियाँ होती है जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जैसे गर्म रहती है तो हमें अच्छा लगता है, अंदर से भी अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ उसके सामने, यहाँ पे खाने पीने के लिए इतनी चॉइस नहीं है। विंटर में भी, विंटर हो या समर, यहाँ पे खाने पीने में थोड़ा तो स्ट्रगल है ही, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। और अभी मैंने जो दो बातें आपको बताई वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं। जैसे कि इंडिया में ठंड में सिर्फ ठंड ही होती है और कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे विंटर सीज़न मतलब बहुत सारी ठंड, उसके साथ साथ बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, और बारिश का तो कुछ पता नहीं होता है, कभी भी आ जाती है। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 365 डेज छाता मेरे पास ही होता है, मैं कहीं भी निकलती हूँ तो छाता लेके ही निकलती हूँ, विंटर हो या समर हो। और ठंड में यहाँ पे स्नो भी, आपको पता ही है कि स्नो भी कितना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें ठंड यहाँ की अच्छी नहीं लगती। तो यही सब कारण की वजह से यहाँ के लोकल लोगों को और बाहर से आए हुए लोगों को भी ये विंटर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। और एक और बात है कि जैसे इंडिया में हमको होता है ना कि 3 सीज़न फिक्स होती है, कि इतने महीने हैं जो ठंडियों के हैं, इतने महीने हैं जो गर्मियों के हैं, और बाकी महीने हैं जो बारिश के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि 6 महीना ठंड होती है और 6 महीना गर्मियाँ होती है, मतलब विंटर और समर 6-6 महीना होता है, लेकिन सब कहते हैं ऐसा नहीं है। ठंड तो 6 महीने से भी ज़्यादा ठंड होती है। अगर समर स्टार्ट होने को है ना, फिर भी हमें पतला सा जैकेट तो पहन के ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है। तो समर भी हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, सिर्फ 4 महीना ही समर होता है। तो यही ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और विंटर डिप्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लैक ऑफ डेलाइट एंड टाइमिंग जोन।
तो मैंने टाइमिंग जोन क्या है और वो कैसे चेंज होता है वो मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पे क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को देख लीजिए और टाइमिंग जोन के बारे में आप एक बार सुन लीजिए कि वो क्या है, तो आपको भी पता चल जाएगा। और लेक ऑफ डे लाइट, उसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में हम लोगों को आदत हो गई होती है कि समर और विंटर दोनों में सनराइज़ और सनसेट के डिफरेंस में सिर्फ एक घंटे का ही फ़र्क होता है कि समर में एक घंटा ज़्यादा सनलाइट होती है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे समर से मैं बताती हूँ कि समर में आप मानोगे नहीं, सनराइज़ तकरीबन होता है 4:30 to 5 के बीच में सनराइज़ हो जाता है, 5 बजे तो मतलब उजाला हो जाता है, और शाम को 10 या 11 बजे अंधेरा होता है। तब तक दिन बहुत ही लंबा होता है समर में। तो जैसे सब लोगों को ऑफिस के लिए सुबह निकलता है, काम करता है, अपना एक्टिविटीज़ सब ख़त्म करता है, तो सब काम ख़त्म करने के बाद भी उन लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत टाइम होता है। और मैंने खुद यहाँ पे देखा है कि समर में हम जैसे बाहर निकलते हैं वॉक के लिए या घूमने के लिए, तो मैं देखती हूँ कि पीछे रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो लोग स्केटिंग करता है, साइकिलिंग करता है, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पे पीछे एक ओपन जिम है, तो वहाँ पे लोग बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो उन लोगों को समर में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके सामने, उसके कंपैरिजन में जब विंटर आता है, तो विंटर में सनराइज़ होता है 7:30 या 8 बजे और उसके बाद सनसेट हो जाता है 4 बजे। सनसेट मतलब 4 बजे पूरा डार्क हो जाता है, पूरा अंधेरा। तो अगर आप मानोगे नहीं कि हम ऑफिस का काम या कुछ अपना जो काम होता है वो हम ख़त्म करते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वो लोग लेक्चर्स और वो सब ख़त्म करते हैं, तब तक वो अंधेरा हो चुका होता है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिलता। और कोई भी हो, अगर अंधेरा हो जाए और इतनी ठंडी हो, तो किसी के भी मन में कुछ अच्छा करने का मन नहीं होता कि छोड़ ना यार, अभी अंधेरा हो गया है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, नहीं जाना है बाहर, कुछ नहीं करना है। तो यही एक रीज़न है कि जैसे समर में लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद विंटर में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है डे लाइट में, तो किसी भला इंसान होगा किसी को भी विंटर डिप्रेशन हो सकता है। तो विंटर डिप्रेशन होने के पीछे के जो कारण है वो हम शॉर्ट में देखने जाए तो पहला है कि वेरी लो टेम्परेचर, दूसरा है टोटली बोरिंग फूड, खाने पीने में कुछ मज़ा नहीं आता है, तीसरा है अनप्रिडिक्टेबल वेदर, कभी भी बारिश हो जाती है, और चौथा है प्रोलॉन्ग्ड विंटर, पांचवा रीज़न है टाइमिंग जोन, एंड छठा और सातवां रीज़न है लेक ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेक ऑफ सनलाइट। तो अभी ये तो बात हुई कि विंटर डिप्रेशन के पीछे के कारण जिसकी वजह से होता है वो, लेकिन जब किसी को विंटर डिप्रेशन होता है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो कैसे बिहेव करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब किसी को विंटर डिप्रेशन होता है तो उसके मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, वो उसको कुछ करने का मन नहीं होता है, पूरा दिन घर पे बैठे रहने का, और नेगेटिव माइंड हो जाता है कि चलना यार कुछ नहीं करना है, ऐसा होता है। फिर इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार जाना, तू मेरा दिमाग मत खा, ऐसा मत कर। और दूसरा ये है कि किसी को विंटर डिप्रेशन होता है तो उनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कुछ नया करते हैं तो कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है कि हम मन से करता है ना कोई चीज़ कि बहुत एक्साइटमेंट हो कोई चीज़ में, वैसा नहीं रहता है। और अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कुछ ऑफिस का भी कोई भी काम कर रहा है तो वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। और स्लीप इश्यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बोला कि सनलाइट बहुत ही कम होती है, तो उसकी वजह से पता नहीं लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी क्या इफ़ेक्ट होती है जिसकी वजह से हम ज़्यादा सोते रहते हैं, बहुत ही जल्दी बेड पे चले जाते हैं 9 या 10 o'clock और सुबह देर से उठते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें कुछ करने का मन नहीं होता अगर हम ज़्यादा सो जाते हैं तो। और दूसरी बात है कि अनमोटिवेटेड रहता है, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस देख लो, कुछ काम नहीं होगा, हम कुछ भी कर लो लेकिन अनमोटिवेटेड ही रहेंगे। और मेन चीज़ है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो हमें सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, उसकी वजह से किसी को हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, विंटर डिप्रेशन के अलावा भी।
तो एक लास्ट चीज़ है होम सिकनेस। तो समर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहीं पे भी रह रहे हो, फैमिली की इतनी ज़्यादा याद नहीं आती है, लेकिन विंटर में हर मिनट हर दिन हमें घर की याद आती है कि पूरा दिन यार अभी कहाँ फंस गए, घर में होते तो अच्छा होता। तो अभी मैं स्टेटिस्टिक के हिसाब से एक बात बताती हूँ कि रिसर्चरों ने ये रिसर्च किया था 30 साल तक, और उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया कि जैसी बड़ी दो सिटी है हैम्बर्ग और बर्लिन जैसी दो बड़ी सिटी में विंटर में जनवरी मंथ में सिर्फ 45 आवर्स ही सनलाइट होती है, मतलब बहुत ही कम। और उन लोगों ने ये भी रिसर्च किया था कि ये प्रॉब्लम जो विंटर डिप्रेशन है उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब सैड कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम वुमेंस को ज़्यादा होती है मैन के कंपैरिजन में। तो ये छोटी सी बात थी स्टेटिस्टिक के हिसाब से। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हो और विंटर डिप्रेशन का शिकार हो गए हो तो मैं थोड़ी बहुत बातें बताती हूँ जिसकी वजह से किसी को ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो तो वो क्या कर सकते हैं। तो पहला है कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मन खुश रहता है, हमको बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता है। दूसरी बात है कि हम वॉकिंग और जॉगिंग के लिए भी जा सकते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी अंदर से भी गर्म रहती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद है हॉबीज़, हम हमारी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। तो हॉबीज़ को टाइम देने से डिप्रेशन तो क्या कुछ भी हो दूर चला जाएगा। योगा करना चाहिए, योगा की वजह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और फ्रेंड्स को जितना पॉसिबल हो उतना अकेले को नहीं रहना है, फ्रेंड्स के साथ रहो, फ्रेंड्स को हर वीकेंड में मिलो, उनके साथ पार्टी पे जाओ या छोटी मोटी ट्रिप करो या फिर साथ में रह के कुछ अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करो, तो वो सब करने से हमारा मन बहुत ही खुश रहता है। और जैसे हम देखते हैं कि विंटर में जैसे समर में लोग बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं वो विंटर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हॉल है जहाँ पे हम इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं और कई सारी अलग अलग गेम्स है वो हम खेल सकते हैं। और यहाँ पे तो कार्ड खेलने के लिए भी अलग से ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग कार्ड खेलने के लिए भी जाते हैं, तो उधर भी आप जा सकते हो। फिर फ्रेंड्स के साथ सिनेमा जा सकते हो, यहाँ पे लाइव शोज भी बहुत होते हैं तो थिएटर में भी जा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि विंटर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो जैसे आज मैं विटामिन डी लेने के लिए आ गई हूँ बाहर, वैसे सेम आप भी विटामिन डी लेते रहो। जितना भी पता है कि सनलाइट बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी भी निकले तो बाहर आओ, फ्रेश एयर लो, अच्छा लगता है। और घर में सभी के साथ बात करते रहो, घर में सबका दिमाग खाते रहो फैमिली में, तो मूड फ्रेश रहेगा। और शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में लोग घर पे जैसे हम ट्यूबलाइट वाइट लाइट रखते हैं घर में, वैसी नहीं होती है, यहाँ पे सब लोग येलो लाइट ही रखते हैं, तो उससे विंटर डिप्रेशन बढ़ेगा। तो पॉसिबल हो तो हमें वाइट लाइट ही रखनी चाहिए। मैंने भी 6 महीने पहले मेरे घर में लाइट चेंज कर दी है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है वाइट लाइट से। और आपके अगर आप बहुत पैसे वाले हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप आर्टिफिशियल लाइट थेरेपी भी ले सकते हो। तो अगर आप विंटर डिप्रेशन का शिकार हो गए हो तो ऐसी थोड़ी बहुत टिप है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज मैंने भी इनफ विटामिन डी ले लिया है, मेरा तो डिप्रेशन दूर हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहिए, मन को खुश रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।